फाइनली दोस्तों टेस्ला का साइबर ट्रक मार्केट में आ गया है। MUES 4 आप सबको मिलेगा। एंड ऑफ ईयर के काफी सारे डिस्काउंट स्टार्ट हो गए हैं और ओला एंड एथर की टक्कर होने वाली है रिवोल्ट NX 100 से। तो इसी तरीके की उस धमाकेदार अपडेट मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से दबाएं। सो गाइस, सबसे पहले न्यूज की बात करें तो दोस्तों टेस्ला का जो साइबर ट्रक था ना, वो अब फाइनली मार्केट में आ गया है। डिलीवरी भी होने लग गया है, जिसमें कि आपको काफी कमाल के फीचर देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, जिसमें कि ये बुलेट प्रूफ भी हो जाता है। एयर सस्पेंशन इसमें मिलेंगे, जो कि पानी, पहाड़, मिट्टी सब जगहों पर चलने के लिए बनाए गए हैं। और ये ट्रक 5000 केजी तक की किसी भी चीज को खींच सकता है और 1133 केजी तक की इसमें लोड कैपेसिटी है, जिसमें कि एक 6x4 बेड साइज का स्पेस मिलता है। इसके अलावा इसमें राइडिंग की बात करें तो वैसे तो इसका नाम ट्रक है, बट चलाने में ये किसी स्पोर्ट कार से कम नहीं लगने वाला है। 0-60 माइल पर आवर की स्पीड ये सिर्फ 2.6 सेकंड में ही कैच कर लेता है, जिसकी टॉप स्पीड 130 माइल पर आवर की है। वहीं इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें बहुत ही ज्यादा मिनिमम डिजाइन देखने को मिलेगा। सब कुछ टच कंट्रोल ऑपरेटेड है। फ्रंट एंड रियर दोनों साइड में आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी। 15 स्पीकर का सेट मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्योरीफायर, सनरूफ, 5 सीट एंड टेस्ला का ऑटो पायलट फीचर भी इसमें देखने को मिलेगा। वहीं इस ट्रक के स्पेक्स की बात करें तो ये ट्रक सिंगल, डुअल और ट्रिपल मोटर के साथ में आता है और इन सभी ट्रक में 123 किलोवाट आवर की बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि सिंगल मोटर वाला 250 माइल की रेंज निकाल कर देगा, डुअल मोटर वाला 340 माइल की रेंज निकाल कर देगा और ट्रिपल मोटर वाला 300 माइल की रेंज निकाल कर देगा। वहीं इनके प्राइस की बात करें तो ये ट्रक $61,000 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि करीब करीब आप कन्वर्ट करते हैं तो 50 लाख रुपीस बन जाते हैं। इसके अलावा $80,000 डुअल मोटर और ट्रिपल मोटर की प्राइस $100,000 रखी गई है। तो इस तरीके की प्राइस कुछ रखी गई है इस ट्रक की। बाकी अभी के टाइम पर ये ट्रक सिर्फ आपको US वगैरह में ही देखने को मिलेगा और अदर कंट्री की बात करें तो अदर कंट्री में अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। नाउ इतनी महंगी प्रोडक्ट की बात करने के बाद में आ जाते हैं अपने ओला इलेक्ट्रिक की न्यूज पर। तो दोस्तों अगर आप इस टाइम पर एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोच रहे हैं तो दिसंबर मंथ काफी अच्छा है, क्योंकि ओला की सीईओ भावी सरगवाल जी ने अपने ओला S1 X+ की जो प्राइस है ना, उसको कट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये आप खुद ही सुन लो। सो X+ फॉर दिसंबर विल बी एट पैन इंडिया एक्स शोरूम प्राइस ऑफ 89,999. Wow, you know, तो यहाँ पर ओला S1 X+ स्कूटर पर डायरेक्ट 20,000 रुपीज का प्राइस कट देखने को मिलेगा, जिसके बाद में इस स्कूटर की जो प्राइस है वो सिर्फ 90,000 रुपीज हो जाती है। और ये ऑफर सिर्फ आपको दिसंबर मंथ में ही देखने को मिलेगा, उसके बाद में जो इसकी प्राइस है ना 1,10,000 वो फिर से कर दी जाएगी। तो ये सच में काफी ज्यादा क्रेजी डील है। इतनी सस्ते में तो आपको कोई भी पेट्रोल स्कूटर देखने को भी नहीं मिलता और आपको 70-80 किलोमीटर के आसपास में रेंज चाहिए और 1,00,000 रुपए से कम आपका बजट है तो मैं कहूंगा कि आप कोई भी पेट्रोल व्हीकल मत लेना, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जरूर से परचेज कर लेना। नेक्स्ट, इसी तरीके से एथर एनर्जी ने भी अपने कुछ डिस्काउंट एंड ऑफर चला दिए हैं दिसंबर मंथ के, जिसमें कि आपको 450S सीरीज पर 5000 रुपीज का ऑफ मिलेगा और कॉर्पोरेट डिस्काउंट 1500 रुपीज का दिया जा रहा है। साथ ही नया स्कूटर परचेज करने पर 7000 रुपीज का बैटरी वारंटी कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा, जो कि काफी अच्छा ऑफर है। नेक्स्ट दोस्तों, एक और एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटर का फायर इंसिडेंट हमें देखने को मिला है, जिसके ऊपर मैंने हालांकि वीडियो आपको बनाकर दिखाया था। ये जो हादसा हुआ है ये महाराष्ट्र में हुआ है, जिसमें कि ये स्कूटर पूरी तरीके से जल गया है। हालांकि लोगों ने यहाँ पर इस पर पानी वगैरह भी डाला बुझाने की कोशिश की, बट ये आग बढ़ती ही चली गई और लास्ट में फिर फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा, लेकिन तब तक ये स्कूटर पूरी तरीके से जल गया था। वहीं इससे बड़ी दुख की बात ये है कि अभी तक कंपनी ने इसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया जारी नहीं किया है, यानी कि एम्पियर कंपनी की तरफ से कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया, कुछ भी स्टेटमेंट देखने को हमें नहीं मिल रही, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। नेक्स्ट दोस्तों, सिंपल मन इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में तो आप लोग जानते हैं। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसा था जिस पर काफी लोग उम्मीद बनाकर बैठे हुए थे, बट अभी तक काफी लोगों को तो ये डिलीवरी भी नहीं हुआ है और कुछ लोगों ने इसके जो बुकिंग थी वो भी कैंसिल कर दी थी। वहीं कंपनी ने भी खुद से बोला था कि आप अपनी बुकिंग कैंसिल कर दो, बट यहां पर एक और नई न्यूज है कि कंपनी अपना एक और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आने वाली है, जिसका नाम होगा सिंपल .1। जी हां दोस्तों, ये स्कूटर 15 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इस न्यूज के बाद में सभी पुराने कस्टमर कुछ इसी तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि भाई इन्होंने अपने जो पुराने स्कूटर की डिलीवरी अभी तक नहीं करवाई है। काफी सारे लोग बुकिंग कर करके बैठे हुए हैं, काफी लोगों ने बुकिंग कैंसिल कर दी है, उनका अमाउंट तक रिफंड नहीं हुआ है। तो पुराने स्कूटर की तो डिलीवरी का कुछ पता नहीं है, नया स्कूटर ये लॉन्च करने जा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, एथर एनर्जी की तरफ से भी कुछ नई इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें देखने को मिलने वाले हैं बहुत ही जल्दी, जो कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि एथर एनर्जी एक फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आने वाला है। उसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट टाइप का स्कूटर भी हमें देखने को मिलेगा और अब अपने
एथर 450X का जेन 2 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है कंपनी, जिसका नाम होगा एथर 450 Apex। इसमें हमें ज्यादा फीचर, ज्यादा परफॉर्मेंस और ज्यादा प्राइस भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एथर के जो स्कूटर होते हैं ना, वो यहाँ पर बजट फ्रेंडली नहीं होते, इनकी जो प्राइस है वो थोड़ी हाई होती है अदर मैन्युफैक्चरर से देखा जाए तो। नेक्स्ट आ जाते हैं रिवोल्ट मोटर पर। जी हाँ दोस्तों, रिवोल्ट मोटर अगर आप भूल गए हैं तो रिसेंटली इन्होंने अपना एक स्कूटर लॉन्च किया था जिसमें कि 300 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी। अब ये अपने स्कूटर को यहाँ पर ओला और एथर से टक्कर करवाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपने स्कूटर को ट्रैक पर लेकर आ गए हैं जहां पर ओला और एथर की ड्रैग रेस करवाने वाले हैं। और एज यूजुअल, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर ये रिवोल्ट NX100 ही जीतने वाला है एक्सेलरेशन के मामले में। बाकी इसकी जो रेंज है वो भी यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर से ज्यादा ही है। इसके अलावा इसकी जो फुल डिटेल वीडियो है वो बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाली है इनके चैनल पर, तो तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, नवंबर मंथ की ईवी सेल रिपोर्ट तो आप लोगों ने जरूर से देख ली होगी, जहां पर अगेन ओला इलेक्ट्रिक नंबर 1 पर निकल कर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि सबसे टॉप पर मुझे लग रहा है, यहां पर विदा V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात कर रहा हूं, जो कि मंथ और मंथ ग्रोथ की रेट की बात करें तो यहां पर ये सबसे ऊपर निकल कर आया है। इससे ज्यादा मंथ और मंथ ग्रोथ किसी ने भी नहीं की है अभी तक, हालांकि ये छठे स्थान पर है, बट फिर भी इनकी जो सेल है ना वो मंथ और मंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और वैसे भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर और भी काफी सारे डिस्काउंट चल रहे हैं दिसंबर एंड के, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर या फिर इनके शोरूम में जाकर आप चेकआउट जरूर से कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों, मूवेस 4 की बात करें तो ये अभी बीटा फेज में ही है, जो कि 50,000 से 60,000 लोगों को करीब करीब दिया जा चुका है। बट काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसका बीटा वर्जन यूज नहीं करना चाहते, उनको थोड़ा सा डर लगता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ओला S1 प्रो जेन 2, ओला S1 एयर वालों को अभी बीटा वर्जन भी इसका देखने को नहीं मिला। तो अब फाइनली मूवेस 4 का स्टेबल वर्जन रोल आउट होने वाला है, जो कि खुद ओला की CEO भाई सरवाल जी ने बोल दिया है। मूवेस 4 भी आई थिंक हमने काफी अपने कम्युनिटी को दे दिया है, बाकी सबको कब मिलेगा? एंड दिसंबर में मूवेस 4 सबको मिलेगा। Yes. That's another big part of our December to remember. बाकी दोस्तों, MOS 4 अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फीचर वाला सॉफ्टवेयर अपडेट है। तो ये तो होगा दोस्तों इस हफ्ते की आपकी ईवी न्यूज। इसके अलावा दोस्तों, अगर सवाल जवाब की बात करें तो आपके इतने कुछ खास कमेंट नहीं थे, और जो भी कमेंट थे वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड सेफ रहें।